ये कोलिशन महज पार्टियों का नहीं, ये देश बहुत चोट खा चुका है, बहुत सारे सपने बिखर गए हैं, उन्हें फिर से समेटने की जरूरत है। ये सिर्फ पॉलिटिकल चुनाव लड़ने का अलायंस नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूँ स्वाति आपके साथ। विपक्षी गठबंधन इंडिया की आज मुंबई में तीसरी बैठक संपन्न हुई। वही बैठक संपन्न होने के बाद आरजेडी के एमएलसी मनोज झा ने जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया तो वहीं दूसरी तरफ इस बैठक का आखिर मकसद क्या था इसका भी खुलासा किया है। खबर को विस्तार से जानेंगे, उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। द फ्यूचर ऑफ इंडिया एज अ नेशन नाउ इज इंटीग्रली लिंक्ड टू द फ्यूचर ऑफ दिस अलायंस व्हिच इज नॉट सिंपली एन अलायंस ऑफ पार्टीज। ये कोलिशन महज पार्टियों का नहीं है, ये कोलिशन आइडियाज का है। ये देश बहुत चोट खा चुका है, इसको हीलिंग की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें टूट गई हैं, उन्हें जोड़ने की ज़रूरत है। बहुत सारे सपने बिखर गए हैं, उन्हें फिर से समेटने की ज़रूरत है। ये सिर्फ पॉलिटिकल चुनाव लड़ने का अलायंस नहीं है, देश के नवनिर्माण का भी अलायंस है, जिसमें कि एक अधिनायकवादी सत्ता को आईना दिखाने का भी काम होगा। बता दें कि गैर भाजपा दलों के गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में हुई। बैठक के दूसरे और अंतिम दिन 28 दलों के नेता शामिल हुए। इस बैठक में आज बड़ा फैसला लिया गया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 13 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है। हालांकि अभी तक गठबंधन के संयोजक पर फैसला नहीं हो पाया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की दूसरे दिन हुई बैठक में 13 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। सभी दलों के बीच तालमेल के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 13 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया है, लेकिन संयोजक कौन होगा इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। 13 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की लिस्ट में केसी वेणुगोपाल, शरद पवार, तेजस्वी यादव, अभिषेक बैनर्जी, राघव चड्ढा, हेमंत सोरेन, स्टालिन, संजय राउत, ललन सिंह, महबूबा मुफ्ती, डी राजा, उमर अब्दुल्ला और जावेद अली खान का नाम शामिल है। साथ ही बता दें कि मुंबई में इंडिया गठबंधन की दो दिवसीय बैठक खत्म हो गई है। बैठक के अंतिम दिन 13 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी की घोषणा हुई, जबकि आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ने को लेकर एक प्रस्ताव भी गठबंधन के दलों की तरफ से किया गया है। तीसरी बैठक में गठबंधन का झंडा और लोगो को लॉन्च किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वहीं संयोजक के नाम की भी घोषणा नहीं हो सकी है। इंडिया गठबंधन की 13 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी में बिहार से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जदयू अध्यक्ष ललन सिंह को जगह मिली है, तो वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी कोऑर्डिनेशन कमेटी का सदस्य बनाया गया है। बैठक के बाद गठबंधन के सभी दलों ने संयुक्त प्रस्ताव पारित कर साथ चुनाव लड़ने की बात कही है। इसके साथ ही साथ गठबंधन शामिल दल जल्द ही अपने अपने राज्यों में आम लोगों की समस्या को लेकर सभाएं आयोजित करेंगे। प्रस्ताव में लिखा गया है कि हम इंडिया के सभी दल जहां तक संभव हो सके आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। विभिन्न राज्यों में सीट बंटवारे की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी और विचार विमर्श की सहयोगात्मक भावना के साथ इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। तो आपने सुना आरजेडी के एमएलसी मनोज झा को। बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की आज मुंबई में तीसरी बैठक संपन्न हुई है। वहीं इसके बाद आरजेडी के एमएलसी मनोज झा ने जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश बहुत चोट खा चुकी है और अब इसे हीलिंग की जरूरत है, बहुत सारे सपने बिखर चुके हैं और अब उन्हें समेटने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने इस बैठक की और अलायंस के मकसद को बताते हुए कहा कि हमारा मकसद सिर्फ पॉलिटिकल चुनाव लड़ना नहीं बल्कि देश का फिर से नव निर्माण करना है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें Facebook पर देख पा रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।